अपनी मांगों को लेकर जिला चंबा में तहसील कार्य में कार्यरत तहसीलदार व नायब तहसीलदार इन दिनों काले बिल्ले लगाकर काम कर विरोध जाहिर कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वे पिछले 4 सालों से उनकी ना कोई प्रमोशन हुई है, साथ ही उन्हें ना ही क्वार्टर की सुविधा और ना ही गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध है, जिस कारण वे काले बिल्ले लगाकर अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर तहसीलदार चंबा सुभाष ठाकुर ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में तहसीलदार व नायब तहसीलदार पिछले 3 दिनों से काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम काले बिल्ले लगा के काम कर रहे हैं। तो जो हमारी यूनियन की तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की जो जायज डिमांडे हैं, हम डिमांडे पर्सनल हित में नहीं मांग रहे हैं। हम पब्लिक हित में सरकार की योजनाओं को अगर सही से कार्य रूप दिया जा सके, उसमें सरकार से सहयोग मांग रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, ताकि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में अच्छा काम हो सके। तो प्रदेश स्तर पर सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने, रसो अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती है, तब तक हम विरोध स्वरूप में अपने काले बैज लगा के काम करते रहेंगे, सरकार के प्रति रोष जता रहे हैं। अगर जो भी निर्णय होगा बाद में यूनियन का, वो अगले स्टेप भी लिए जा सकते हैं। इसमें जैसे विभागीय पदोन्नति कोटा है और तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों से तहसीलदारों की प्रमोशन का है और गाड़ियों का है, ऐसे बहुत ज्यादा छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे अधिकारियों को इवन यहाँ तक छुट्टियां बिल्कुल काटने नहीं मिलती हैं और छुट्टियों का भी हमें मानदेय नहीं मिलता है। तो और फैसिलिटी हमारी कोई नहीं है, कोई क्वार्टरों की समस्या है, गाड़ियों की समस्या है, ड्राइवरों की समस्या है। तो हम सरकार से विनय करें कि हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि सरकार की योजनाएं हैं उनको हम पब्लिक तक सही से पहुंचा सकें